उज्जैन के महाकाल लोक में धार्मिक त्योहार नाग पंचमी के अवसर पर भारी भीड़ के चलते सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कलेक्टर और एसपी मौजूद थे। इस दौरान देवास के बीजेपी विधायक गायत्री राजे के बेटे विक्रम सिंह ने अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ महाकाल लोक में प्रवेश कर दिया, जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था। कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को रोका और जब्त कर लिया। इन गाड़ियों को थाने ले जाकर चालानी कार्रवाई की गई। इस घटना ने महाकाल लोक में सुरक्षा व्यवस्थाओं की गंभीरता को उजागर किया। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आए थे, जिससे सड़क मार्गों को बंद और कुछ मार्गों पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई। कलेक्टर और एसपी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, तभी विक्रम सिंह की गाड़ियों का काफिला नीलकंठ द्वार से महाकाल लोक तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और कलेक्टर एसपी ने दौड़कर गाड़ियों को रोका। कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि गाड़ियों के काफिले ने अनाधिकृत प्रवेश किया था और सभी गाड़ियां जब्त कर थाने पहुंचाई गई है, उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे घटनाक्रम से भक्तों की कठिनाइयों को अनदेखी होती है। भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और ऐसे विधायक का बेटा नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचता है। हालांकि अफसरों ने गाड़ियों को रोका और कार्रवाई की, लेकिन इस घटना में धार्मिक स्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। विक्रम सिंह ने घटना के बाद माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि गलती से नो एंट्री में घुस गए थे और पुलिस वालों को पहचानते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है और कहा कि जो भी जुर्माना होगा वह चुकाएंगे।